तो उत्तर प्रदेश में हम पीडीएम का हिस्सा हैं और आज बनारस में वाराणसी में गौतम यादव साहब हमारे कैंडिडेट हैं और फिर मिर्जापुर भी हम गए थे, तो अच्छा रेस्पॉन्स है और हम जहां जहां पीडीएम के कैंडिडेट्स अपील कर रहे हैं कि लिफाफे के निशान पर वोट दीजिए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माइनॉरिटीज को पूरा खत्म करने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया, रिजर्वेशन को पूरी तरीके से जिस तरीके से दलितों, देखिए जितना चुनाव चल रहा है ना, फर्स्ट फेज के बाद सातवें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान मुसलमान बना के रख दिया। प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देता, कोई हिंदू नहीं देता, कोई बैकवर्ड क्लास नहीं देता, कोई दलित नहीं देता, कोई पिछड़ा नहीं देता। तो ये इनकी एक पूरी स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर, और वो अपने नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। रोजगार नहीं दिया युवाओं को, महंगाई आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है और 400 पार का मतलब दलित आदिवासी जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं सब जान चुके हैं, वो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकाम है कि नेपाल जैसा कंट्री आज अपनी करेंसी छापता है तो उसमें भारत के इलाकों को नेपाल की टेरिटरी बनाता है। तो ये हर चीज पर नाकामी है, तो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं।